बड़ी खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पर इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं, और मैं भी अपने ऑफिस में था, मैं तो बहुत मैं भी उतना ही एक्साइटेड था आपकी तरह, लेकिन जब मुझे पता लगा कि इतने सारे बच्चे इतने ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ, इतने ज़्यादा सीखने की भावना के साथ यहाँ हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में आए हैं, तो मैं तुरंत अपने ऑफिस से भागा। मैंने कहा कि आपके साथ साथ मुझे भी जो है ये ब्लू मून और रेड मून और सुपर मून देखने का मौका मिलेगा, तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अभी जो पता नहीं अब अगले 19 साल वाला हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग लकी हो कि आपको अगले 19 साल वाला भी देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आपको यहाँ पे हमारे साथी वैज्ञानिक उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, और भले ही हमारा भी साइंस का बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको भी बहुत कुछ नया सीखने समझने का मौका मिला है। और अभी सब जगह पे देश में बहुत एक्साइटमेंट है, आपको जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। आई थिंक घर जाकर आप लोग यू शुड ऑल कुछ इसके बारे में और थोड़ा अध्ययन करिएगा, खाली इसके बारे में नहीं, इस पूरे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के बारे में। और आज जो आपको जो भी अनुभव होता है, मेरा ये सुझाव है कि अपने जो भी अनुभव होता है, जो भी फीलिंग होती है, जो भी मन में विचार पैदा होता है, जो भी आपको इसके आज देखने के बाद अपने आगे के लाइफ के कैरियर के बारे में क्या फीलिंग होती है, उसको सबको आप एक जो है ना एक अपनी पेपर के रूप में लिखिए, और लिख के हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में भेजिए। तो कम से कम जो ये बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से जिनकी जो फीलिंग्स और जो उनकी जो आज की जो ओवरऑल एक्सप्रेशन और जो आज की सारी भावना को जो आप लिख के भेजेंगे, तो उसमें से जो बेस्ट 3 जो एक्सप्रेशंस होंगे, उनको हम लोग इसी हॉल के अंदर बुलाकर किसी आगे वाले किसी इवेंट के अंदर उनको जो है सम्मानित भी करेंगे। इन ए वेरी पैशनेट मैनर, बहुत उसको पूरा गंभीरता से, और सच्ची बात लिखना, किसी से हेल्प नहीं लेनी उसके लिए, ये अच्छा सा है, कोई ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे राइटिंग नहीं है, जो आप नेचुरल वे में लिखेंगे और अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे और अपनी मन की हृदय की गहराई से भावना लिखेंगे, वो सबसे बढ़िया होगी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इनको अवार्ड देने में? हमारे सेक्रेटरी साहब ने, मैंने तो 3 ही कहा था, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि पहले 10 जो अच्छे एक्सप्रेशंस और राइटिंग्स होंगी। आपको इसको लिखने के लिए ज्यादा लंबा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको जो है इसको लिखने के लिए 1 हफ्ता मिलेगा। वैसे तो 1 हफ्ता भी ज्यादा है, लेकिन 1 हफ्ता हम आपको देंगे। तो आज 31 तारीख है, 7 तारीख तक जो भी यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में अपने टीचर के थ्रू यहाँ पे भेज देंगे। टीचर से नहीं लिखवाना है, अपने बड़े भाई बहन से भी नहीं लिखवाना है, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि टीचर से लिखा है, क्योंकि हमें भी दिख रहा है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और आई कैन एश्योर यू कि आप में सब में अपने टीचर से भी ज़्यादा अच्छा लिखने की काबिलियत है, सिर्फ आपको अपनी काबिलियत को अपने ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने टीचर से, अपने बड़े भाई बहन से भी अच्छा लिख सकते हो। अभी आजकल तो ऐसा युग आ गया है कि कोई चीज़ ना आती हो, हमें तो कोई चीज़ अब जब नहीं समझ में आती है टेलीफोन के अंदर, किसी बार के अंदर, या कोई भी चीज़ होती है, तो हम आसपास जो सबसे छोटा होता है और हम कहते हैं तुम इसको दो करो, तो वो सबसे पहले हमारी जो है फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और जो दूसरी जगह पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसलिए जो है आप सबके पास किसी से कम काबिलियत नहीं है, अपनी काबिलियत पे पूरा आप तो अपना भरोसा रख के और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लिखिए, और मेरे ख्याल से ये आपके लाइफ के लिए जो है एक आगे वाले भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा, अगर आज कोई यहाँ पे बैठे बैठे कोई नया जीवन के लिए सपना पैदा हुआ, मन में कोई विचार पैदा हुआ जीवन में ये करना है, वो भी ज़रूर उसके अंदर पेन डाउन करिएगा। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना, और अभी मेरे ख्याल से आपको ये बाहर लेके चलेंगे और जो है सबको जो है दर्शन कराएंगे, और मैं भी मुझे भी सौभाग्य मिलेगा आपकी तरह जो है ब्लू मून और रेड मून देखने का। थैंक यू।